हेलो फ्रेंड फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड आज हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ये पुदीना जो है ये ठंडा होता है, तो इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है और सेहतमंद भी होती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पुदीने की चटनी। ये देखिए मैंने पुदीना ले लिया है, इसे धुल के रेडी कर लिया है मैंने। अब हम इसे काटेंगे छोटा छोटा। अब हम इसे कुछ इस तरीके से छोटा छोटा काट लेंगे, जिससे पीसने में आसानी रहे। ये देखिए इसी तरीके से सारा पुदीना हम काट लेंगे। ये देखिए मैंने सारा पुदीना कट कर लिया। अब इसे हम डालेंगे जार में। आप चाहें तो सिल पे पीस लें, तो मैं इसमें जार में ही पीसूंगी। ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च। ये चार हरी मिर्च मैंने ली हैं। ये देखिए हम इन्हें भी काट देंगे। अगर छोटा छोटा काट लेंगे तो जल्दी पिस जाएगा आसानी से। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये मैंने एक पिंच हींग ली है और ये एक छोटी चम्मच जीरा। आप चाहें तो अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर नहीं खाना चाहते तो ना डालें। मैं थोड़ी सी लाल मिर्च लूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला, और टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे नमक। एक चम्मच नमक ले रही हूँ मैं। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए चटनी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए चटनी बन के रेडी है। आप भी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये चटनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।